सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को नफी करते हुए स्टूडेंट्स भला कौन सी गलती करते हैं? वर्ब के साथ एस का या ईएस का इजाफा भी कर देते हैं। याद रखें, जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को नफी कर रहे हैं तो आप डू और डज नॉट लिख रहे हैं, तो फिर वर्ब की पहली फॉर्म ही आएगी, एस या एस का इजाफा नहीं होगा। फार्मूला ये है, सबसे पहले आपने लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट, और फिर आपने वर्ब की पहली फॉर्म लिखनी है, एस का या ई एस का इजाफा बिल्कुल नहीं करना। अच्छा देखें, अब डू नॉट कहाँ आएगा और डज नॉट कहाँ आएगा? अच्छा देखें, हम एस का या ई एस का इजाफा करते थे वाहिद के साथ, वो ये देखें एस का इजाफा ई एस का इजाफा हुआ पड़ा है, ई एस का ही होगा वाहिद के साथ। हमें ये पता चला कि वाहिद के साथ ही, शी, इट और वाहिद नाम होगा तो डज नॉट लिखेंगे, और जमा के साथ, प्लूरल के साथ, वी, दे, यू और आई के साथ क्या लिखेंगे? डू नॉट। अब देखें, वो किताब नहीं पढ़ता है, फार्मूले के मुताबिक वो है, वो के लिए आएगा ही, देखिए हमने लिखा ही। उसके बाद देखें जी, मैंने बताया वाहिद होगा तो क्या लिखना है, ही डज नॉट, देखें डी ओ यस डज, फौरन हमने लिख देना है नॉट, ही डज नॉट। अब वर्ब कौन सी है? पढ़ना, ही डज नॉट रीड आ बुक। अब दूसरा सेंटेंस, वो नया घर नहीं खरीदते हैं। अब वहां पे ते हैं आया तो फिर भी वो है, लेकिन हम ते हैं को देखेंगे, ते हैं जमा के लिए आता है, फिर हम फाइल इसका लिखेंगे दे, उसके बाद लिखेंगे डू नॉट, दे डू नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाय, दे डू नॉट बाय, उसके बाद नया घर रह गया, नया घर न्यू हाउस, दे डोंट बाय, डू नॉट को शॉर्ट में ब्रदर, डोंट बाय अ न्यू हाउस, वो नया घर नहीं खरीद नहीं बोलती है। दो तरह इसका जो है ना तर्जमा हो सकेगा इस सेंटेंस की, इंग्लिश कर सकेंगे। अब देखिए एक और तरीका है, शी सब्जेक्ट इसका, उसके बाद नेवर, नेवर, फिर हम टेल्स लिखेंगे, टेल्स आ लाए, She never tells a lie। देखें never भी आ गया, लेकिन tells s का इजाफा भी किया, She never tells a lie, क्योंकि do not और does not नहीं इस्तेमाल किया हमने, हमने never लिखा है। अगर never आ जाएगा तो s का इजाफा होगा, She never tells a lie। दूसरी तरह इस सेंटेंस को बनाता हूँ, She वो does not tell a lie। अब दो तरह दुरुस्त है, जब नेवर का इस्तेमाल करेंगे फिर एस का या ई एस का इजाफा होगा, जब डू नॉट या डज नॉट का इजाफा करेंगे, डू नॉट या डज नॉट ऐड करेंगे नफी करने के लिए, फिर एस का या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे, शी डज नॉट टेल अ लाई। अच्छा एक सेंटेंस से ही समझ आ जाती है, लेकिन गौर से इस टेंस के फिक्रात को इंटरोगेटिव करने के लिए देखें ट्रिक क्या है, भला आपने क्या करना है, डू को और उसके बाद डज को बिल्कुल सेंटेंस के शुरू में ले आना है। देखना, डू आ गया शुरू में, या जो है ना डज आ गया, और डू और डज का वही तरीका, वाहिद के साथ डज और जमा के साथ डू, उसके बाद बाकी वही सब्जेक्ट आ गया अपनी जगह, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आ गई, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, आखिर पे साइन ऑफ क्वेश्चन। अब देखो क्या वो किताब पढ़ता है, अब देखो क्या के लिए जो वाहिद है पढ़ता बता, वाहिद तो यहाँ लिखेंगे शुरू में डज, डज उसके बाद ही आ जाएगा, फिर वही सारा रीड, डज ही रीड अ बुक, आखिर पे सवालिया निशान भी, डज ही रीड अ बुक। और बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं डज भी लिख दिया, रीड्स भी लिख दिया, और भाई जब डज आ जाएगा इसका इजाफा नहीं होगा, डज ही रीड अ बुक, क्या वो किताब पढ़ता है। अब उसके बाद डू जमा के लिए, क्या वो नया घर खरीदते हैं, डू दे बाय अ न्यू होम, अ न्यू हाउस। अब आगे साइन ऑफ क्वेश्चन भी जरूर लिखना है, डू दे बाय अ न्यू हाउस,
या डू दे बाय अ न्यू होम, क्या वो एक नया घर खरीद, होम और हाउस में फर्क बाद में आपको बताऊंगा, डू दे बाय अ न्यू हाउस, क्या वो नया घर लिया करने के लिए WH फैमिली आप में से कोई आ जाए, एक सवाल पूछने वाले जो हैं कौन कब कैसे क्यों आ जाए उसको डू डस से भी पहले लिखते हैं। अब देखो यानी यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, इसको लिखते हैं क्यों, क्यों मीन अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड सवाली अल्फाज उसको डू डस से भी पहले लिखेंगे। अब फिर बाकी तरतीब वही रहेगी। अब क्या वो किताब कब वो किताब पढ़ता है, तो यहाँ पे जो है ना वैन आ जाएगा कब के लिए, वैन। बाकी जो है ये वन डज तो इसी तरह की, ये डू जो कैपिटल है उसको हम स्मॉल लेटर में कर देंगे। अब देखो When does he read a book, वो एक किताब कब पढ़ता है, क्यों किताब पढ़ता है, अब यहाँ पे कब के लिए आ जाता है, क्यों आ जाएगा, why does he read a book, वो किताब क्यों पढ़ता है, कहाँ पढ़ता है वो किताब, वो कहाँ पढ़ता है, कहाँ के लिए, यहाँ पे why को क्या करेंगे, where लिख देंगे। बाकी वही तरतीब, क्योंकि जब इसके जो सवालिया हैं इंटरोगेटिव बनाने के लिए, डबल सवालिया बनाने के लिए ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उनको सबसे पहले लिख देते हैं। वो नया घर कहाँ खरीदते हैं, वेयर आ जाएगा, क्यों खरीदते हैं, चलो जी वाई, अब वाई आ गया, डू आएगा इसी तरह, वाई डू स्मॉल लेटर में हो जाएगा, वाई डू दे बाय, क्यों वो खरीदते हैं नया घर, इस तरह के वो क्यों क्रिकेट खेलते हैं, वो कब क्रिकेट खेलते हैं, वो कहाँ क्रिकेट खेलते हैं, तरीका यही है। अगर आपको इसके तरीके की समझ आ गई तो एक टेंस भी आपको आ गया, एक सेंटेंस, तो सारे सेंटेंस बनाना आसान हो जाएंगे, सारे सेंटेंसेस आसान हो जाएंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस आ गया तो कोई भी टेंस आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। और मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपके जो है ना जहन को मद्देनज़र रखते हुए कि आपको जो एक एक चीज़ जो है ना क्लियर हो जाए, एक एक दो दो सेंटेंस बने हैं ज़्यादा नहीं, ताकि आप बोर ना हो और आपको सही से क्लियर से समझ आ जाए, मतलब समझ आना है। अगर आपको समझ आ गई तो सेंटेंस आपके लिए मुश्किल नहीं होंगे और टेंसेस सारे ही आसान हो जाएंगे, एक टेंस आना लाजमी।